फिल्मों और सीरियल में काम पाने के लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ती है और फिर कहीं जाकर आपको फिल्मों में काम मिलता है। एल फिल्मों में काम मिलना कोई आसान काम नहीं है, इसके लिए आपको महंगी मुंबई में जाकर काम के लिए रहना पड़ता है और फिर भी आपको काम मिले ऐसा जरूरी नहीं होता। एल बॉलीवुड में आम लोगों को अपनी पहचान बनाने में बहुत समय लगता है, जिसके बाद ही वो व्यक्ति लोगों के बीच एक अभिनेता बन उभर कर आता है। लेकिन अभिनेता बनने के बाद उसको ये याद रखना होता है कि अब समाज में उनकी एक अलग पहचान बन चुकी है। एल तो उसे हर उन लोगों को ध्यान में रखकर हर एक काम करना होता है जो उनको फॉलो करते हैं। एल ऐसा ही एक अभिनेता आज भी करोड़ों लोगों के दिल में बसता है। एल जी हां, 90 के दशक में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके अभिनेता दिलीप कुमार ने बहुत कम उम्र में बॉलीवुड में अच्छा खासा नाम कमा लिया था और उसके बाद कभी पीछे मुड़कर देखने की कोशिश नहीं की। एल अब करीब 95 साल का हो चुका दिलीप कुमार का शरीर मानो कमजोर पड़ता जा रहा है। एल जैसा सब जानते हैं कि दिलीप कुमार काफी समय से बीमार चल रहे हैं। एल कुछ समय तक वो बॉलीवुड में होने वाले अवार्ड में भी दिखाई देते थे, पर धीरे धीरे उन्होंने अपनी बीमारी की वजह से इन सब चीजों से दूरी बना ली। एल उसी बीच हाल ही में ये खबर भी आई कि एक बार फिर से दिलीप कुमार को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। एल जिसमें बताया गया कि बॉलीवुड के वरिष्ठ अभिनेता दिलीप कुमार को बुधवार 2 जुलाई को डिहाइड्रेशन की शिकायत के बाद मुंबई के लीलावती अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था। एल की खबरें तो ऐसी भी आ रही थी कि दिलीप कुमार की हालत ज्यादा खराब हो गई थी। एल जिसकी खबर देश में मानो आग की तरह फैल गई। एल खबर के फैलते ही दिलीप कुमार के फैंस उनके ठीक होने की दुआएं मांगने लग गए। एल इसी बीच उनकी पत्नी सायरा बानो ने दिलीप की हालत को लेकर ऐसा बयान दे दिया जिसे शायद आप भी सुनना चाहेंगे। एल बता दें कि पत्नी सायरा बानो ने दिलीप के फैंस को तसली देते हुए कहा कि वो उम्मीद करती हैं कि दिलीप साहब जल्दी ठीक हो जाएं। एल खबरें हैं कि किडनी फेल होने की वजह से ही दिलीप कुमार को हाल ही में दोबारा मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एल जब सायरा बानो से किडनी फेल की खबर की पुष्टि की तो उन्होंने चुप्पी साधने में ही भलाई समझी, लेकिन मीडिया हाउस पीटीआई के मुताबिक दिलीप कुमार की सेहत को लेकर बात करते हुए सायरा ने कहा कि हमें प्रार्थना करनी होगी कि वो जल्द ठीक हो जाएं। एल अल्लाह पर भरोसा है कि वो जल्द ठीक होंगे। एल डॉक्टर अभी उनका इलाज कर रहे हैं। एल बता दें कि न केवल फिल्मी पर्दे पर बल्कि उनकी असल जिंदगी में भी दिलीप अपने हीरो बनकर रहे। एल उनकी लव लाइफ भी किसी से छुपाए नहीं, छुट्टी फिल्मों में काम करते समय उनका नाम अपने से छोटी उम्र की अभिनेत्री से जोड़ा जाने लगा। एल दिलीप कुमार ने अपने ऑटोबायोग्राफी में बताया था कि वो शुरू के दिनों में सायरा के साथ काम करने से साफ मना कर देते थे। एल क्योंकि दिलीप कुमार को हमेशा से लगता था कि सायरा पर्दे पर उनके सामने बहुत छोटी नजर आएंगी। लेकिन इन दोनों की यह कहानी आगे बढ़ी और दिलीप कुमार ने 1966 में अपनी से 18 साल छोटी सायरा बानो से शादी कर ली थी। एल